जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने आतिशी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आतिशी को दी गई है। आतिशी को जिम्मेदारी विषम परिस्थिति में दी गई है। गोपाल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साजिश करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी एकजुट है, सरकार स्थिर है। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी ने साजिश करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई। इस दौरान गोपाल राय ने बताया कि शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में खुद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। विधायकों ने भी आतिशी के नाम का समर्थन किया। विधायक दल की बैठक से पहले ही दो नाम सीएम पद की रेस में थे। इसमें पहला नाम आतिशी और दूसरा नाम कैलाश गहलोत का था। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद से ही दिल्ली में लगातार सियासी हलचल तेज मची हुई है। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बार अब नई सीएम के रूप में आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेगी। इस पर गोपाल राय ने डिटेल में बताया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। बुलाई गई थी जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है
कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। बिजली, फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे, और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन दो जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे, और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या, उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। देखिए, ये दोनों प्रस्ताव, अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। आज ही प्रस्तुत किया जाएगा, आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है, उस दावेदारी को उस राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। चलिए सर, बस अमित भाई। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।